प्रथम अपने बाराबंकी के दरियाबाद से विधायक और राज्य मंत्री सत्येंद्र शर्मा जी देखा तो भैया उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक जी के आवास पर पहुंचे रहे, उनसे बढ़िया मुलाकात कर रहे थे और बढ़िया बतावा जाते कि स्वास्थ्य सेवाओं पर विस्तार से चर्चा कर रहे थे। बाराबंकी की जो भी भैया स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको तनिक बेहतर किया जाएगा, तनिक व्यवस्थित किया जाएगा, इस पर बकायदा चर्चाएं हो रही थी। हम कह लो तनिक आपका दिखा दी बढ़िया शिष्टाचार भेंटों करते रहे राज्य मंत्री सत्येंद्र शर्मा जी। बाकी आपकी कार्यक्रम के दूसरा खबर देख लो। अब जो भी रोड़ा बन रहा है उसको पकुलेन चला के टूटा जाएगा भैया, तो तनिक सावधान हो जाओ। अभी भी बकायदा समय है, जो कोई बकायदा जमुरिया नदी के किनारे भैया आ रहा है वो सब भैया अपना अपना मकान टूट करके साइड हो जाओ, वरना पकुलेन चलिए तो बड़ी दिक्कत हुई है। आठ हजार दस समुचित मार्ग है टूट गई है, खुदाई छेनी हथौड़ी से तुड़ी हो, सहयोग करी हो प्रशासन का तो कोई दिक्कत ना हुई है। मामला बाराबंकी जिले के शहर के भैया जमुरिया नदी किनारे का मामला है, जहाँ पर सदर के नायक एसडीएम साहब नवाबगंज के आज जगह साईं जी चेतावनी दीन कि भैया देखो बुधवार तक अपना बकायदा घर वर हटा ले जाओ, जिनका जिनका जमुरिया नदी किनारे आ रहे हैं लेकिन वो सब माने तैयार है नहीं, तो सब जने भैया तैयार हो जाओ। डीएम साहब आदेश कर दिए हैं कि जमुरिया नदी के भैया प्रभाव में आने वाले जो भी रोड़ा उनको हटाया जाए और अतिक्रमण को हटावे खातिर एसडीएम साहब का निर्देश कर दी है। डीएम साहब हम कह लो तो नहीं आपका बता दी कि देखो भाई खुदा तुल लोटो सही है और ना देखा तो स्कूल पर पोखलैंड और जेसीबी चल रहा है, वैसे तुम रहो यहाँ चलिए बाकी दूसरा खबर देख लो। अब देखो नगर पालिका के संजय शुक्ला जी जो नियो साहब है वो बतावा दें कि देखो भैया ऐसा नवा सर्वे करावा जी है, नोटिस भी जारी की जी है, वो बकायदा गृह स्वामियों को बुलाया करके उनसे बातचीत भी की गई है और देखो ऐसा भैया सभी नगरवासियों से यो साहब सहयोग की अपेक्षा करती हैं। बतावा जाते कि देखो भैया ऐसा है ग्रह कर और जल कर का आपके बाद भार बढ़ने वाला है, तो सब जने तैयार हो जाओ। हम कह लो तो नहीं आपका बता दें कि यह जानकारी महत्वपूर्ण है आपके लिए, ग्रह कर और जल कर सब लगी है भैया, बाकी दूसरा खबर देख लो। अब देखो भैया बाराबंकी जिले के लोकसभा घर में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार जी जनता की समस्या सुनाते रहे, उनका समाधान करता है, जो भी बकायदा भैया शिकायत लेकर के फरियादी हो रावत रहा है। लोकसभा घर में देखा थी हो जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिस दरमियान जन समस्याओं को सुनकर के संवाद करके उनकी समस्याओं का समाधान करते थे डीएम सत्येंद्र कुमार जी। हम कह लो तो नहीं आपका दिखा दी बाकी दूसरा खबर देख लो। अब हैदरगढ़ में देखा तो डॉक्टर साहब बहुत देर करते हैं, अभी डॉक्टर साहब कब आई हो बताओ, यहाँ लोग इंतजार करते हैं आपकी वीडियो सोशल मीडिया पर बनाए करके वायरल करते हैं कि देखो भैया पेशेंट हो रहे एक घंटे से इंतजार कर रहे हैं और 10 बजे गए हैं लेकिन डॉक्टर साहब नहीं आ रहे हैं। तरीक सुनो भैया जी दवा लेने आए? हाँ भैया दवा लेने आए। किसकी दवा लेने आए? बच्चे की दवा लेने आए, आधा घंटा हो गया और आधे घंटे से ऊपर हो गया, कोई डॉक्टर ही नहीं है, उससे खड़े हैं। तब हम यूँ नहीं कहते कि देखो भाई पेशेंट गलत बोलते हैं, पर हम यूँ जरूर कहना चाहेंगे कि हो सकता है कि डॉक्टर साहब कोनो भैया जगह फंस गए हों, या हो सकता है तो गाड़ी पंचर हो गई हो, या हो सकता है कि भैया कहूँ दूर रहा हो, कुछ भी हो सकता है, इस वजह से थोड़ा समय लग रहा हो, पर फिलहाल हम डॉक्टर का बहुत सम्मान कही थे या वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता रहा है तो हम कह लो तो नहीं आपका दिखा दी बाकी डॉक्टर साहब हो सके तो जल्दी आ जावा करो, हम टीका टिप्पणी कुछ नहीं करेंगे। दूसरा खबर देख लो भैया। अब देखो भैया पूर्व सांसद बैजनाथ रावत जी तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बढ़िया मुलाकात करे खातिर पहुंचे रहे, शिष्टाचार भेंट करना और तमाम विकास कार्यों को लेकर यह बढ़िया चर्चा करते रहे। हम कर लो तो एक आपका दिखा दी बाकी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो बेल आइकन जरूर कर दीजिएगा।